अपने आप को कब तक मना लोगे? अब ये तो मनने का तो समय आता है, जब जब भवानी जगेगी, जब मन जाएंगे, नहीं तो चल ही रहे मन जीतने पर मान जाएंगे। आपका राज का मंत्री गायब है, उसका पता नहीं है कब आ गया, जब मेरी भवानी जागेगी तब आऊंगा। तो ये भवानी जगाओ भाई, ये बीजेपी वाले तो जगा नहीं रहे। आप मीडिया वाले, विपक्ष वाले, हम चेष्टा करें कि उनकी भवानी को जगाएं कि आ जाओ महाराज, अब हो गया आपका काम। नमस्कार, स्वागत है आपका जनएम न्यूज में, मैं हूं रोहित। कांग्रेस के कद्दावर नेता और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से किरोड़ीलाल मीणा पर निशाना साधा। कुछ दिन पहले किरोड़ीलाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जब राजस्थान में बाढ़ के हालात बने तब उन्होंने फिर से मोर्चा संभाला और कई जगह वह निरीक्षण करने पहुँचे। साथ ही यह कहते हुए भी नजर आए कि मैं अभी मंत्री नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं मंत्री का फर्ज निभा रहा हूँ। जब मेरे में भवानी जाग जाएगी तो मैं फिर से अपना पद ग्रहण कर लूँगा। उसके बाद आज गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक में किरोड़ीलाल मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनकी भवानी जाग गई है तो वो वापस आ जाए, हम तो कुछ नहीं कहने वाले, यानी कि नेता प्रतिपक्ष भी कुछ नहीं कहने वाले। साथ ही आपदा और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कुछ दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर से वह ये कहते नजर आए कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा ने भ्रष्टाचार को लेकर भी बीजेपी पार्टी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हर वर्ग त्रस्त है कि भाई पता ही नहीं चल रहा है कि ये सरकार चला कौन रहा है, इसमें कौन काम कौन करेगा और कब से ये काम करना शुरुआत करेंगे। पूरी तरीके से सरकार फेल है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आज जोधपुर में भी एक और घटना की रिपोर्ट आ रही है, जयपुर की घटना है ही, अजमेर में हुई थी, बीकानेर में हुई थी, अलवर में हुई है, भरतपुर में हो ही रही है। कोई जिला, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा हुआ है जहां हमारी मासूम बच्चियों के साथ में रेप की घटनाएं नहीं हो रही हों, महिला सुरक्षित नहीं है, आम व्यक्ति का जीना दूभर हो गया है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज। प्रदेश का मुख्यमंत्री गृह मंत्री है और एक वर्ड नहीं बोलता, और मीडिया के सामने तीन बार चार बार आपके सामने आए हैं मुख्यमंत्री जी, केवल दिल्ली से आई पर्ची का वाचन करके चले जाते हैं और आप पूछते रहते हो मुख्यमंत्री जी कोई सवाल तो लो, सवाल तो लो, और वो मुस्कुरा करके नमस्ते करके चले जाते हैं। कौन जवाब देगा कि ये कानून व्यवस्था पटरी पे कैसे आएगी, कैसे अपराधी, बजरी माफिया, खनन माफिया, गुंडे किस तरीके से हावी हो गए प्रदेश के ऊपर। नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देने वाले लोग आज घरों में दुबक करके बैठे, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बातें करने वाले लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गए। पता नहीं किसका कब नंबर कट जाए, कब कुर्सी से उतर जाए। जितना जल्दी है जितना ले लो, जितना जल्दी हो जितना ले लो। आप ट्रस्टी हो, जनता के बनाए हुए जनप्रतिनिधि हो, जनता की बनाई हुई सरकार है, जनता के लिए काम करो, अपने लिए काम करने लग गए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्थितियाँ हैं ये प्रदेश के लिए, आप बिजली की, पानी की चर्चा नहीं, कानून व्यवस्था की चर्चा नहीं, लोग त्रस्त है। जब बरसात आती है तो पूरा का पूरा जयपुर जाम हो रहा है, किसी भी सिटी को ले लीजिए, आपदा राहत की कोई बात नहीं है, आपदा राहत का मंत्री गायब है, उसका पता नहीं है कब आ गया, जब मेरी भवानी जागेगी तब आऊँगा। तो ये भवानी जगाओ भाई, ये बीजेपी वाले तो जगा नहीं रहे। आप मीडिया वाले, विपक्ष वाले, हम चेष्टा करें कि उनकी भवानी को जगाएं कि आ जाओ महाराज, अब हो गया आपका काम। कार्यकाल 45 दिन बाद में तो सब कुछ हो जाता है ना, तो 45 दिन बाद में आ जाओ, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि प्रतिपक्ष उनको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो सम्मानीय नेता हैं, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो मंत्री उनको बनाया गया है। जब तक ऊपर से उनके खिलाफ पर्ची नहीं आए तब तक उनको काम करना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए जनएम न्यूज।